हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाय चोपड़ा। आज इस वीडियो में हम एम्स के एमबीबीएस व अदर कोर्सेज के रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। इनके रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होंगे, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम कब लगेगी, इन सब के बारे में बातचीत करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, एम्स की सभी प्रकार की एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तीन स्टेज में कंप्लीट होता है। सबसे पहले होता है बेसिक रजिस्ट्रेशन, उसके बाद जनरेशन ऑफ कोड और उसके बाद में फाइनल रजिस्ट्रेशन। बेसिक रजिस्ट्रेशन में क्या होता है तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि बेसिक रजिस्ट्रेशन में बेसिक डिटेल फिल की जाती है, जैसे नेम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, और इसके बाद में फोटो स्कैन करके अपलोड की जाती है, सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड किए जाते हैं और थंब इम्प्रेशन स्कैन करके अपलोड की जाती है। ये कार्रवाई होती है बेसिक रजिस्ट्रेशन में। इसके बाद में जनरेशन ऑफ कोड में कोड जनरेट किया जाता है। इसमें कोई खास प्रोसेस नहीं होता है, आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद में दिए हुए टाइम पर आप वेबसाइट पे जाके कोड को जनरेट कर सकते हैं। इसमें बेसिक रजिस्ट्रेशन जिनका हो रखा है वो ही कोड जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद में फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है। फाइनल रजिस्ट्रेशन में एजुकेशनल डिटेल सबमिट करनी होती है। इसके बाद में पेमेंट करना होता है, पेमेंट ऑफ फीस जो 1500 रुपये जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए, 1200 रुपये एससी एसटी कैटेगरी के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए कोई फीस नहीं है, तो ये आपको फीस पे करनी होगी। उसके बाद में सिटी चॉइस करनी होगी कि आपने एग्जाम सेंटर कहाँ लेना है। सिटी इसकी पहले आओ पहले पाओ वाला हिसाब है, यानी कि आपका अगर सिटी वैकेंट है तब आप अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं कंप्लीट तो आपको सिटी चॉइस जो आप चाहते हैं वो मिल जाती है इसमें। तो इस प्रकार से ये तीन स्टेज में फॉर्म कंप्लीट होता है। अब हम बात करें एमबीबीएस के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहेगा। तो दोस्तों, एमबीबीएस के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नवंबर में स्टार्ट हो जाएंगे बेसिक रजिस्ट्रेशन, जनवरी में जनरेट ऑफ कोड हो जाएगा और इसके बाद फरवरी में फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा। 30 व 31 मई 2020 को एग्जाम कंडक्ट होगी और 16 जून 2020 को रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद में हम बात करें एम्स द्वारा एमबीबीएस के अलावा बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी पोस्ट बेसिक और पैरामेडिकल कोर्स जो करवाए जाते हैं इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा। तो इन तीनों कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक साथ ही होता है। मैं आपको यहाँ बता दूं कि एमबीबीएस और ये तीनों कोर्स जो बीएससी नर्सिंग के कोर्स हैं और पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, इनके बेसिक रजिस्ट्रेशन एक ही बार होते हैं, एक साथ ही होते हैं। यानी आपको एमबीबीएस के लिए अलग से कोई बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं करना और फिर इसमें बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक और पैरामेडिकल के लिए दोनों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं करना, एक ही बार बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है। वो आपके एमबीबीएस में भी काम आ जाएगा और इन बाकी अदर एग्जाम में भी काम आ जाएगा। जो इनके जनरेशन ऑफ कोड और फाइनल रजिस्ट्रेशन है वो अलग अलग करना है, एमबीबीएस के लिए अलग करना है और इन तीनों एग्जाम के लिए अलग करना है। इन तीनों एग्जाम का एक साथ ही होगा, कोड ऑफ जनरेशन भी एक साथ ही होगा और फाइनल रजिस्ट्रेशन भी इन तीनों एग्जाम का एक साथ ही होगा। उसके बाद में जो इनका टाइमिंग है क्या रहेगा इसका, तो मैं आपको बता दूं बेसिक रजिस्ट्रेशन इनका अदर एग्जाम का, बीएससी नर्सिंग, बीएससी होनर्स, पोस्ट बेसिक का, इनका पैरामेडिकल का जो रजिस्ट्रेशन है वो नवंबर में 2019 में बेसिक रजिस्ट्रेशन एमबीबीएस के साथ ही हो जाएगा। जनरेशन ऑफ कोड फरवरी 2020 में होगा और फाइनल रजिस्ट्रेशन मार्च 2020 में होगा। एग्जाम इनकी जून में लगेगी और तीनों कोर्सेज के लिए अलग अलग डे को एग्जाम लगेगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन इनका सबका एक साथ ही होता है। तो जैसे ही ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा हम आपको सूचित कर देंगे, क्योंकि पिछले साल भी काफ़ी स्टूडेंट ने ऐसी गलतियां की थी, किसी ने जनरेट कोड नहीं किया तो वो फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, तो किसी स्टूडेंट ने गलती की थी कि वो बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद में कोड जनरेट के टाइम में बेसिक रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे थे तब उनका रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं था। तो आपने ऐसी गलती नहीं करनी है, जैसे ही इनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होंगे हम आपको सूचित कर देंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी थी एम्स के रजिस्ट्रेशन के बारे में। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा।
जय हिंद।